हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव यू नेचर गार्डनिंग में। मैं कुलदीप त्यागी, आपका गार्डनिंग दोस्त। आज पिछली वीडियो विंटर फ्लावर सीड एंड प्लांट इन्फो का नेक्स्ट पार्ट, उसी की एक कड़ी आपको समर्पित करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी पहले की तरह ही आपका भरपूर प्यार और सहयोग पाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, इस कड़ी में मैं आगे के सर्दियों में जबरदस्त ब्लूम करने वाले फ्लावर्स, सीड्स और प्लांट के बारे में आपको बताता हूँ। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो प्लांट और फ्लावर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है स्नैप ड्रैगन या ड्रैगन हेड, क्योंकि इसका बोटेनिकल नाम एंटीरिनम माजूस है, इसीलिए एंटीरिनम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन डॉग फ्लावर के नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है। और ये मैं आपको इसका एक सीड पैकेट दिखा रहा हूँ। साइड स्क्रीन पे आप इसका प्लांट भी देख रहे हैं, फ्लावर्स भी देख रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने जब इसे सीड से ग्रो करके खुद से एक फ्लावर बुके तैयार किया, उसमें टाइम और एफर्ट तो लगा दोस्तों, लेकिन जब उसे मैं एक मित्र को भेंट किया तो आप यकीन मानिएगा, नेचुरली इतनी खूबसूरत गिफ्ट या तो मेरी फ्लावर बुके थी या दोस्तों मेरे मित्र की वाइफ थी। दोस्तों, इसे आप बड़ी आसानी से घर पर ही सीड से ग्रो कर लीजिए या नर्सरी ग्रोन प्लांट लगाइए। जब फूल आएगा तो आप वाकई मेरी बात याद करके मुस्कुरा देंगे। तो लगाइए जरूर स्नैप ड्रैगन या एंटीरिनम या डॉग फ्लावर। साथियों, अगला प्लांट मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुश मिजाज रंगीन डेजी जैसे फूल सिनेरारिया के हैं। ये एस्टर और सनफ्लावर फैमिली से ही है। पहली बार 1977 में ब्रिटिश राजमहल के गार्डन में इन्हें खोजा गया। सिनेरारिया गुलाबी, लाल, बैंगनी और नीले चमकदार ब्राइट रंगों में होता है, और साथ ही कुछ प्रजातियों की पत्तियां दो रंगी भी होती हैं। परंतु आज तक सिनेरारिया में पीला रंग सारी दुनिया में कहीं नहीं है। इसका पौधा जितना ऊंचा हो जाता है उतने ही बड़े साइज के फूल इस पर खिलने लगते हैं। कभी कभी तो फूल का साइज 6 इंच डायमीटर तक भी हो जाता है। और एक बार ये प्लांट आप लगा लीजिए, फिर हर साल सर्दी और बसंत में जबरदस्त फ्लावरिंग ये आपको देता रहेगा। तो दोस्तों, सीड से, ये सीड मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीड से ग्रो कर लीजिए, बड़ा इजी ग्रो हो जाता है, या फिर नर्सरी से लाइए, सिनेरारिया हंसा जरूर लगाइए दोस्तों। दोस्तों, अभी जो आप दिलकश फूल स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम है हेलिक्रिज्म या पेपर फ्लावर या एवरलास्टिंग फ्लावर। दोस्तों, पश्चिमी सभ्यताओं में इस फूल को अमर फूल, इमोर्टल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता था। ब्राउन, ऑरेंज, पिंक, रेड, वायलेट, व्हाइट, येलो, ये सभी इस फूल के कॉमन रंग हैं। जब सीड से इन्हें उगाया जाए तो इन्हें सॉइल लेयर से कवर नहीं करना होता दोस्तों, क्योंकि इनके जर्मिनेशन के लिए लगातार रोशनी चाहिए होती है, और या फिर आर्टिफिशियल लैंप लगाकर रोशनी दिखाई जाती है, तब इसका सीड जर्मिनेट होता है। जब तापमान 25 डिग्री के आसपास हो तब आप इसके सीड लगा सकते हैं। ऊपर से कवर करने के लिए जौ या धान के छिलके का प्रयोग करें, और आने वाली वीडियो में इसकी सीडलिंग में जरूर ग्रो करके दिखाऊंगा दोस्तों। तब तक आप नर्सरी से लेकर लगा लीजिए इस बेहतरीन विंटर फ्लावर प्लांट हेलिक्रिज्म या पेपर फ्लावर को। और दोस्तों, ये डेजी जैसा फूल एस्टर या स्टार डेजी कहलाता है। मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करने वाला ये ब्यूटीफुल फ्लावर लाइट पिंक, ब्लू और पर्पल कलर में देखा जाता है। रात की सर्दी को पसंद करने वाले इस फ्लावर प्लांट को तेज धूप से बचाना चाहिए। इसकी मिट्टी टॉप फर्टाइल, हल्की और वेल ड्रेन रहनी चाहिए। साथ ही हल्की नमी रहने से फूल लंबे समय तक टिका रहता है। इसे सीड से जर्मिनेट करने के लिए काफी ठंडे तापमान की जरूरत होती है, इसीलिए जर्मिनेशन करने के लिए फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा आपको मिलेगा दोस्तों। ये आप सीड का पैकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। इसकी छोटी छोटी सैपलिंग या पड़े प्लांट नर्सरी से लेकर भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट, इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग इसमें होती है दोस्तों। और अब देखिए दोस्तों, ये सर्दियों का मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा फ्लावर है। दोस्तों, ये फ्लावर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये सीड है पैंसी या वायला का। ये रंगीन चेहरे वाला बड़ा खूबसूरत और मनमोहक फूल है दोस्तों, और सर्दियों में मेरा बहुत पसंदीदा फूल है। प्लांट काफी छोटे होते हैं तो ज्यादा जगह भी नहीं घेरते, ज्यादा जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करते, और एक एक प्लांट पर ढेरों रंग बिरंगे फूल रोज रोज आते रहते हैं पूरी सर्दी। बस पुराने डेड फ्लावर हटाते रहिए
और इसी तरह से ये जबरदस्त ब्लूमिंग करते रहते हैं। चमकीले रंगों और कई कई डिजाइन वाली पत्तियां बेहद खूबसूरत दिखती हैं। ज्यादा महंगा नहीं है, बस 20 से 25 रुपए का इसका प्लांट किसी भी नर्सरी से लिया जा सकता है और बीज से ग्रो करना तो बहुत ही आसान है। मैं हर साल 100 से ज्यादा पौधे खुद अपने गार्डन में बीज से ग्रो करके लगाता हूँ और मेरा गार्डन इसी पैंसी फ्लावर की वजह से एकदम जीवंत और गुलजार हो जाता है दोस्तों। तो आप भी सीड से ग्रो कीजिए या नर्सरी से ले आइए, पर लगाइए जरूर पैंसी या वायला, इसका नाम है दोस्तों। और दोस्तों सर्दियों का ये मेरा पसंदीदा फ्लावर है ब्यूटीफुल पेटोनिया। जी हाँ दोस्तों, पेटोनिया इसका नाम है अपने जबरदस्त ब्लूम और लंबी अवधि तक फूल टिके रहने के लिए विंटर्स का बेहतरीन फ्लावर प्लांट है। छोटे साइज का पौधा किसी भी हैंगिंग बास्केट में या 6 इंच से 10 इंच के पॉट में ढेरों फूल खिला देता है। मल्टी फ्लोरा, ग्रैंडी फ्लोरा, फॉरिबंडस, मिली फ्लोरा और ट्रेलिंग पेटोनिया इसकी सामान्य प्रजातियां सर्दियों के मौसम में खूब लगाई जाती हैं। प्लेन कलर में लाल, नीला, गुलाबी, सफेद, बैंगनी और पेटोनिया स्टार मिक्स कई शेड्स और कई डिजाइन में इसकी खूबसूरती लाजवाब होती है दोस्तों। काफी लंबे समय तक लगभग अप्रैल तक पेटोनिया फ्लावरिंग कर देता है और 20-30 रुपए का ये प्लांट है। तो आज ही अपने गार्डन में इस नए रंग बिरंगे फ्लावर को लगाइए दोस्तों। मैं इसे बीज से ग्रो कर रहा हूँ जिसका वीडियो बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगा। बीज में ये दिखा रहा हूँ और साइड व्यू में आप देख सकते हैं इसके बेहतरीन शेड्स और डिजाइन को। दोस्तों अलाइजम या स्वीट अलाइजम या कारपेट फ्लावर भी इसको बोलते हैं, रंगीन और छोटे छोटे गुच्छों में खिलने वाले फूल हैं। इनका ज्यादातर इस्तेमाल गार्डन के बॉर्डर को कलरफुल कारपेट लुक देने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके चार चार पत्तियों वाले फूल व्हाइट, पिंक, पर्पल कलर में खिलते हैं और प्लांट मैक्सिमम ऊंचाई में 10 इंच तक ही बढ़ता है। इन्हें भी सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से भी 10-10 रुपए के सैपलिंग लेकर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। कंटेनर या गमले में लगा रहे हैं तो महीने में एक बार वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर दें और अगर जमीन में लगाया है तो 4-6 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद का इस्तेमाल करें। बहुत जबरदस्त ब्लूमिंग, गुच्छों में ब्लूमिंग ये करता है। कम देखभाल में भी अलाइजम बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। तो नर्सरी से ग्रोन करके लगाएं या सीड से आप जर्मिनेट करें अलाइजम दोस्तों। दोस्तों हॉली हॉक्स फ्लावर सीड ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हॉली हॉक्स का सीड है और ये प्लांट और फूल को आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। प्लांट के सिंगल स्टेम पर खिलने वाला ये फूल अपने खूबसूरत कलर शेड्स के लिए विख्यात है। गुलदस्तों और डेकोरेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सीड को 1/4 इंच सीड स्टार्टर मिक्स में या बेस्ट सीड जर्मिनेशन मिक्स में, जिसका कि मेरा एक अनदर वीडियो है किस तरह से आप सीड जर्मिनेशन के लिए बेहतरीन मिट्टी खुद से घर पे तैयार कर सकते हैं, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो 1/4 इंच सीड स्टार्टर मिक्स में अक्टूबर नवंबर में दबा दें। लगभग 10 दिन के बाद इसके स्प्राउट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर नर्सरी ग्रोन प्लांट लाए हैं तो नमी का जरूर ध्यान रखें। काफी लोग इसे ड्राई सॉइल का प्लांट मान लेते हैं जिस वजह से उनका प्लांट कभी फ्लावरिंग नहीं कर पाता। इसीलिए वेल ड्राइन, टॉप फर्टाइल, हल्की सॉइल और रेगुलर वाटरिंग का इसका ध्यान रखें। हॉली ऑक्स बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, इसे जरूर से लगाएं। दोस्तों ये प्लांट और फूल जो आप देख रहे हैं इसे रॉगली या इंग्लिश डेजी भी बोलते हैं। इसके लगभग 5 इंच डायमीटर तक के गोल मखमली गेंद जैसे फूल बहुत प्यारे, खूबसूरत और मन लुभाने वाले होते हैं। बड़े फ्लावर हेड पाने के लिए इसे 10 इंच, 12 इंच या उससे बड़े पॉट में लगाएं। इसकी एक वैरायटी सफेद रॉगली, व्हाइट रॉगली भी आती है और उसका फूल भी बड़ा लाजवाब होता है। दोस्तों देखिए, सीड मैंने बेनारी कंपनी जो कि जर्मनी की एक कंपनी है उसके इंपोर्ट किए हैं और आने वाले वीडियोस में ग्रो करके आपको अपडेट दिखाऊंगा। दोस्तों आप सीड से ग्रो करें या सीधे नर्सरी से लेकर भी लगा सकते हैं। कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले इस प्लांट को लगा कर देखिए साथियों, आपका मन खुश हो जाएगा, ये पक्की बात है। रॉगली इसका नाम है दोस्तों। तो दोस्तों दुनिया भर में बहुत बड़ी तादाद में लगाया जाने वाला लिली का एक वैरायटी दोस्तों, ये जो सीड अब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये लहसुन या गार्लिक नहीं है, लहसुन की तरह दिखने वाला ये सीड लिलियम या एशियाटिक लिली का है। ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, ये भी सर्दियों में ब्लूमिंग करने वाला बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। 25 रुपए का ये बल्ब, जी हाँ इस सीड को बल्ब बोलते हैं, 25 रुपए का ये एक बल्ब, जी हाँ इस तरह के सीड को बल्ब बोलते हैं दोस्तों, मैंने मार्केट से परचेज किया है। और ये जो छोटे सीड, छोटे बल्ब आप देख रहे हैं 10-10 रुपए के लिए हैं। इसकी खासियत यह है कि जब आप इसके ऐसे बीज खरीदें तो ध्यान रखें
जितना बड़ा ये लिलियम बल्ब होगा उतने ही बड़े बड़े फ्लावर हेड आपके प्लांट पर आएंगे, उतने ही बड़े फूल आपके प्लांट पर खिलेंगे। छोटे बल्ब पर छोटे ही फूल खिलेंगे और साथ ही इनके ग्रो होने के चांसेस कम रहेंगे। नवंबर में या दिसंबर में लिलियम के बल्ब आपको जरूर लगाने चाहिए, या नर्सरी से लिलियम या एशियाटिक लिली ले लीजिए दोस्तों, बड़ी अच्छी फ्लावरिंग है लिलियम की। दोस्तों सर्दियों में अपने सिंदूरी लाल रंग के फूलों से आपको अट्रैक्ट करने वाला ये फ्लावर साल्विया प्लांट का है। ये एक परमानेंट प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग स्प्रिंग समर और फॉल में होती ही होती है। छोटे छोटे गुच्छों में लंबी डंडियों पर खिले हुए कई सारे फूल बहुत सुंदर दिखते हैं। ब्लू, पिंक, रेड, व्हाइट, येलो, कई तरह के कलर इसके होते हैं, लेकिन भारत भर में सबसे ज्यादा रेड कलर साल्विया लगाना लोग पसंद करते हैं। इसके फूल खिली धूप में खिलते हैं, इसीलिए इसे फुल सन में रखें। सर्दियों में आपके गार्डन में तितलियों को अट्रैक्ट करेगा ये साल्विया फ्लावर। नर्सरी से इसका प्लांट 30-40 रुपए में आराम से मिल जाएगा। दोस्तों साल्विया फ्लावर प्लांट इस बार जरूर लगाइए। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा साथ।